अगर आपके बाइसेप्स ग्रो नहीं हो रहे हैं देन स्टार्ट डूइंग दीज थ्री बाइसेप्स एक्सरसाइज। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो हमारे टाइप 2 मसल फाइबर्स को हिट करती है और उसको ओवरलोड करती है, और अगर हम बाइसेप्स को ग्रो करना चाहते हैं तो टाइप 2 मसल फाइबर्स को ओवरलोड करना बहुत जरूरी है। एंड दिस एक्सरसाइज इज रिवर्स ग्रिप चिन अप्स। द बेस्ट थिंग इज कि आप इसमें वेट्स को भी यूज कर सकते हैं और ओवरलोड को बढ़ा सकते हैं। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है रेंज ऑफ मोशन। जब हम बाबल कर्ल्स या नॉर्मल डंबल कर्ल्स करते हैं तो हमारी रेंज ऑफ मोशन जो है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाती है, बिकॉज डंबल्स या बाबल्स हमारी बॉडी के साथ जाके रुक जाते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है दैट इज द बेजियन कर्ल्स, इसमें हमारा पूरा रेंज ऑफ मोशन मिलता है बाइसेप्स के लिए, और किसी भी मसल को अगर ग्रो करना है तो उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है कंप्लीट होनी चाहिए। अब अगर बाइसेप्स को आप बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी मसल थिकनेस बढ़ानी बहुत जरूरी है, और मसल थिकनेस बढ़ाने के लिए शॉर्ट हेड को हिट करना बहुत जरूरी है। और जो सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है शॉर्ट हेड को हिट करने के लिए वो है स्पाइडर कर्ल्स। अब स्पाइडर कर्ल्स में आपकी आर्म्स जो है वो बॉडी के आगे होती है, इसलिए आपको जो शॉर्ट हेड है बहुत इफेक्टिवली हिट होता है। आप इसको डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं, बारबेल्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव फिटनेस वीडियोस और देखना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक